करते रहो। खैर, तो फर्जीवाड़े में सिर्फ केजरीवाल जी ना, उनको भी कंपटीशन देने के लिए आ गए लोग, उनकी बहन आ गई कंपटीशन देने। हो मारिया बोल आया, बोल हो मारिया बोल आया, इतना सारा बोल आया, हम बोर में लोगों को देखने को गोया, हम बोर में लोगों को देख रहा, मोदी कुछ नहीं दिखता है, हमको पैसा दो, हो मारिया लोग डूब गया, बोर में डूब गया, कितना सारा डूबा, उड़ी बाबा, बस पौंजा पौंजा डूबा, उड़ी बाबा, दीदी दीदी कम पानी में है, सॉरी उठाना पड़ा, क्लियर हो जाएगा, कम पानी में। दीदी बड़ी दम से गजब फोटो सेशन कराया, दीदी लगे 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 लगे, लेकिन कमबख्तों, अरे भक्तों, इतने कमबख्त हैं ये भक्त, इतने कमबख्त हैं भैया, यहाँ भी फोटो खींच मारी, अरे कमबख्तों, देखो कितने अच्छे से उनका पूरा गेम प्लान यहाँ सेट किया जा रहा नीचे, और दीदी पानी में गोया है, अरे बाबा दीदी थोड़ा सा इधर आ जाओ, मसाला क्या है, इधर घट्टे में किधर गया है, होम बॉल में गया है, बॉल में मोदी जी होम को 50,000 करोड़ दो, होम को लोगों को वोट ने कहा है, अरे भैया 5 कदम की दूरी नहीं है, अरे दीदी केजरीवाल जी मैं सच बता रहा हूँ, आप कुछ ना कुछ कीजिए, नहीं तो ये आपको पीछे छोड़ देंगी, बाई गॉड। और ये तो इधर से तस्वीर दिखा रहा हूँ, दूसरी तस्वीर भी देखिए, इस वाली तस्वीर को भी देखिए, पीछे सड़क है ये, यहाँ पानी नहीं, सिर्फ यहीं तक है, पर दीदी को तो फोटो खिंचवानी है, दीदी ने फोटो खिंचवा ली, हो मारिया बोल आया है, दीदी बहुत कोर रहा है, दीदी का एक और फोटो आया है, दीदी बहुत कोर रहा है, क्या फोटो वोटो चल रही है भाई साहब, आ हा हा हा, अरे वाह रे मेरे पत्रकारों, अरे क्या बोटी डाली है भाई, गजब गजब गजब, दीदी इधर खड़ा होकर बहुत कोर रहा है, इधर नहीं जॉप हो रहा है, गजब दीदी गजब, उफ मैं तो मर ही जाऊंगा। अच्छा ये लोग बेचारे खड़े होकर देख रहे हैं, मैंने कमाल है, ओफो भैया रे भैया, मैं मर जाएगा रे बाबा, उठा ले रे बाबा उठा ले, मेरा को नहीं इन लोगों को, कमाल है साहब, क्या बोले अब इनके लिए, मतलब कोई शब्द नहीं है हमारे पास में। चलिए साहब, जनता भी ऐसे लोगों से ही मानती है, वोट भी इन लोगों को देती है। खैर दीदी बड़ी खुशी है, वो अपनी पीआर कर रही हैं, फोटो खिंचवा रही हैं, लेकिन आज एक ऐसी खबर आई जिससे बड़ी गड़बड़ हो गई। ओहो हो मोदी जी किससे मिल रहे हैं, अरे बाबा हम इधर कोश चला गया, हमसे परमिशन नहीं लिया, कैसे चला गया भाई, जगदीप धनखड़ जी आज प्रधानमंत्री से मिले, दीदी की दिल की धड़कनें बढ़ गई उधर, भैया ये कैसे हुआ, अब क्यों आए, पूछा लोगों ने, सवाल तो उठेंगे, जगदीप धनखड़ जी आखिर क्यों आए, किस लिए आए, जगदीप धनखड़ जी आज बड़े खुश खुश नज़र आ रहे थे, पता नहीं क्यों, पता नहीं बड़े खुश खुश से एकदम नज़र आ रहे थे, गवर्नर साहब बड़े खुश हैं आज, कहते हैं ना जी औपचारिक मीटिंग है, कर्टसी मीटिंग है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा मतलब ऐसा पता नहीं, कुछ लोग कह रहे कुछ फाइल वाइल लेके गए थे, कुछ कुछ दिया शायद, कुछ कागज़ वागज पता नहीं, मेरे को तो मालूम नहीं है, बड़े खुश खुश थे आज, लोगों ने पूछा भाई क्या है क्या नहीं, नहीं नहीं कर्टसी मीटिंग ऐसा कुछ नहीं, ऐसे ही गए थे बस, ऐसे बस यहाँ से निकल रहा था, सोचा मिलता चलूँ, हाँ ऐसा कुछ नहीं करने वाला, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आप टेंशन मत लो। तो जगदीप धनखड़ जी आज प्रधानमंत्री से मिले, काफ़ी कुछ सुनने में आ रहा है, काफ़ी कुछ होने की संभावना है, कानून के दायरे में रखे, कोर्ट में जो कुछ कर सकते हो उसके बारे में काफ़ी चर्चा भी हुई है, सुनने में ऐसा भी आया, अब क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है आइए, अब ज़रा बंगाल की बात हो रही है तो भैया बगल में आसाम की भी बात हो जाए। ओहो हो हो ये क्या हुआ, अरे गजब भाई, अरे ये क्या कह रहे हैं, इनकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों सुनने में बड़ा मजा आता है, जरा देखें। What kind of clarification? The illegal Bangladeshi means Muslim. The Muslim has not voted me a single vote during election. The illegal Bangladeshi means Muslim. Kind of clarification? The illegal Bangladeshi means Muslim. Kind of clarification? The illegal Bangladeshi means Muslim. Kind of clarification? The illegal Bangladeshi means Muslim. भाई साहब इनकी शक्ल देखने लायक हो गई थी, जरा दोबारा देखिए, ये देखिए खतरनाक हो गई शक्ल। चलिए इनने सोचा नहीं था ऐसा जवाब आएगा, आइए आगे सुने। Muslim. The Muslim has not voted me a single vote during election. So who are the illegal Bangladeshis on that side? All the immigrant Muslim. And if somebody said that Muslim voted for Himanta Biswa Sarma, this country will laugh. I told on the election meeting that please do not vote for us. Then how can they vote for me? So these are allegations said on the time of some tension. They have to justify their action. I understand. But if people of India comes to know that BJP is trying to give settlement to the illegal Bangladeshi Muslim and they voted for us, we lost all the seats there. We lost all. There are women Muslim in Uttar Pradesh who voted for Mr. Modi. At least in Assam, nobody voted for us. These are the statement on fact. I mean, you go by one polling vote. Not a single vote was cast to BJP. We work for them. That is a different subject. But reality of the life is, for Himanta Biswa Sarma, for Sarbananda Sonowal, in Assam, not a single Muslim voted for us. This is a reality in all the polling stations. If somebody says that Himanta Biswa Sarma is trying to settle Bangladeshi Muslim, what about our NRC drive?
What about CA? Why we exist? So we exist primarily to तो साहब हेमंत बिस्व शर्मा जी ने आज बिल्कुल कितना रिप्ड अपार्ट उधेड़ कर रख दिया। मोहतरमा इंटरव्यू ले रही थी, उनको उम्मीद नहीं थी कि हेमंत बिस्व शर्मा इस कदर ऐसे अग्रेसिव होकर जवाब देंगे। जवाब दे रहे थे इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स और जो रोहिंग्यास है उनके ऊपर कि क्या आप इनको रखेंगे। उन्होंने बोला जो बोले ये इलीगल माइग्रेंट्स कौन है, तो उन्होंने कहा इलीगल माइग्रेंट्स का मतलब मुस्लिम्स। इन मुसलमानों ने मुझे कभी वोट नहीं दिया, मैंने तो खुद ने कहा था मुझे वोट मत दो, ये मुझे वोट कैसे दे सकते हैं। अगर आपने किसी से कहा कि इन्होंने वोट दिया तो हंसेंगे, और अगर आप ये कहते हो कि हम उनको यहाँ बसाने की या रहने दें तो हमारा बाकी जगह पर बाकी देश में क्या होगा, लोग हमको आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं और हम यहाँ इसीलिए आए हैं सत्ता में, इसीलिए आए हैं, यही करने आए हैं, और हम सत्ता में इसलिए आए हैं ताकि जो तुष्टिकरण हो रहा था उसको हम खत्म करें, हम हिंदू उसको इक्वल राइट देने के लिए आए। अरे मैं तो भूल ही गया था, मौलाना मोदी शिट, कोई बात नहीं, गलती हो गई मुझसे, मुझे ये वीडियो प्ले नहीं करना चाहिए था, वीडियो दे दूंगा कल आप लोगों को। सर हम किस लिए हैं, हम इनको किसी भी हालत में यहाँ रहने नहीं देंगे। अवर प्राइमरी एम इज़ टू एक्सपेल इलीगल बांग्लादेशीज एंड रोहिंग्यास फ्रॉम असम नो मैटर व्हाट। ठीक है, योगी जी हेमंता जी को देखकर हरिंदु का मन एक अलग ही, अरे कॉम्पिटिशन चल रहा है उधर, देखिए सब जगह कॉम्पिटिशन है, उधर ममता दीदी में कॉम्पिटिशन है और केजरीवाल में कॉम्पिटिशन है, इधर योगी जी में और हेमंता बिस्व शर्मा में कॉम्पिटिशन चल रहा है, दबा कर चल रहा है। चलिए तो यूपी चुनाव आ रहा है, योगी जी की बात तो याद आया। उमंग शर्मा जी धन्यवाद, गुरु वंदना स्वीकार करें, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देख लेना ये क्या थे और ये क्या हो गए, ओह हो क्या से क्या हो गए देखते देखते, अरे रे 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 रे, चुनाव भी जो ना करवाए भाई साहब, क्या भाई साहब क्यों आते हैं चुनाव है? अरे भैया, अरे भैया कमाल है, कैसे कैसे चुनाव आते हैं। जरा संभल कर रहना, इन गिरगिट से रंग बदलने वाले, सफ़ेद रंग की टोपी से लाल हो गई और वो वाले गमछे से भाई साहब तिलकधारी, कमाल है। किसी ने लिखा सर राइट विंग इज़ गेटिंग वेरी टॉक्सिक एंड ऑफेंसिव, टॉक्सिक होती जा रही है, नो ऑफेंस, हाँ ऐसा मैं भी देख रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, काफ़ी टॉक्सिक होते जा रहे हैं। खैर कुछ लोग हैं ना, नॉट राइट विंग, कुछ लोग ऐसे हैं जो उसमें हो रहे हैं। खैर उत्तर प्रदेश की बात हो रही, तो उत्तर प्रदेश से एक और जरा देख लें, केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री की होगी जांच, फर्जी डिग्री मामले में डिप्टी सीएम के खिलाफ स्थानीय मजिस्ट्रेट ने दिया जांच का आदेश। एक केस में फंसते नजर आ रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, एक मजिस्ट्रेट के कार्यालय में किसी ने आवेदन दिया, कोर्ट में आवेदन दिया, वहां से जांच के आदेश हो गए इनकी डिग्री को लेकर कि फर्जी डिग्री है या नहीं, इसके कोर्ट से आदेश होंगे। अब देखिए ये इलेक्शन से ठीक पहले किया गया है, किसने किया हमें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंटेंशन बहुत क्लियर लग रहा है, ये इंटेंशन लग रहा है ध्रुवीकरण करो किसी प्रकार से वोट होगा। केशव प्रसाद मौर्य को के खिलाफ में हो गया, अब ये होगा देखो देखो कौन कर रहा है, बीजेपी वाले करा रहे हैं, खुद करा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य को नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। कोई भी व्यक्ति जो पिछड़ी जाति से आता है, जो किसी भी जाति से आता है, वो बिल्कुल भी ये ना सोचे, कोर्ट अपना काम कर रही है, आपने यहीं बने रहना, आपने कहीं नहीं जाना। दूसरी बात, जितने भी लोग जो सवर्ण हैं इधर उधर हैं, वो इस चीज़ को लेकर कोई भी किसी प्रकार का मजाक या कोई पोस्ट ना डालें किसी भी प्रकार से, ऐसी बेवकूफ़ी कतई ना करें। ये हिंदुओं को आपस में लड़ाने के लिए किया गया, सवर्ण वर्सेस चुनाव आ रहा ना, तो मौर्यों को पिछड़ों को दलितों को लड़ा दो सवर्णों से, कोई गलती नहीं करना इसकी, ये गलती कोई ना करे, बिल्कुल इससे दूर रहिएगा। सुप्रभात उत्तम जी, अरे वाह आज आपकी सुप्रभात हो गई, बड़ी जल्दी हो गई सर, तो ये गलती कोई ना करे कि आप इसमें कमेंट करें, केशव प्रसाद मौर्य वाले मैटर में कोई भी कमेंट नहीं करें, दूर रहिए क्योंकि आप इसमें कमेंट कर नहीं पाएंगे। खैर इज्जत क्या होती है और कैसे दी जाती है, ज़रा इसको देख लीजिए, बहुत सारे लोगों ने पोस्टर छपवा दिए खिलाड़ियों के, लेकिन इज्जत असली कैसी होती है ये सेना दे रही है, ज़रा देखिए। निखिल चोपड़ा को देख रहे हैं आप सामने, सॉरी लगता है मेरे मुंह से निखिल निकल गया था, तो भाई साहब ने जो अंदर ब्रिगेडियर साहब थे उन्होंने करेक्ट कर दिया, बोले नीरज है, नीरज नीरज चिल्ला दिया, तो नीरज सर आओ भी स्टूडियो काम में लो फॉर वीडियो स्ट्रीमिंग, सर अकेला आदमी बड़ा मुश्किल होता है मेरे करना। नीरज चोपड़ा का ये स्वागत सम्मान भारतीय सेना द्वारा, आनंद आ गया, मज़ा आ गया भाई इसको देखकर। खैर स्वागत तो मोदी जी भी करने वाले हैं, 15 अगस्त को लाल किले पर बुलाने वाले हैं, सिर्फ इतना नहीं 16 अगस्त को खाने पर बुलाने वाले हैं। आज मुझे पहली बार दुख हो रहा है कि मैं खिलाड़ी को नहीं बना, भाई आनंद आ जाता, मेज़बानी कर रहे हैं, 16 अगस्त को बुलाया बोले खाने पर आइए, तो साहब डिनर होगा मोदी जी का खिलाड़ियों के साथ में, भाई आनंद ही आनंद, मज़ा आ गया। मोदी जी इज्जत तो सबको करना जानते हैं, आइए इज्जत, कभी कभी इज्जत ऐसी होती है, इंस्पेक्टर साहब हैं सलूट मार रहे हैं तो ऐसी क्या बात है, मैडम है असिस्टेंट कमांडेंट सलूट ले रही है,
आखिर चक्कर क्या है, दोनों के चेहरे पे ये स्माइल क्यों है ऐसी अजीब सी? ये स्माइल इसलिए क्योंकि ये पिता है और ये पुत्री है। पिता इंस्पेक्टर रहे, बेटी को पढ़ाया लिखाया और बेटी अब आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडर कमांडेंट के तौर पर नियुक्त हो गई। आज की पासिंग आउट परेड थी, उस पासिंग आउट परेड के बाद का ये सीन है। पिता अपनी बेटी को सल्यूट मारता हुआ, इस समय इनका सीना 56 इंच का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये खुशी, ये स्माइल जो दोनों के चेहरे पर है, ये स्माइल इसीलिए है क्योंकि ये इनके भाग्य विधाता है। ऐसे खुशी के पल आप सब भी अपने पिता माता पिता को देने का प्रयास करें, आप सब भी उनको ऐसे खुशी के पल देना। आप यकीन मानिए, इससे बड़ा कोई खुशी का पल किसी पिता के लिए हो नहीं सकता कि जब वो खुद इंस्पेक्टर हो और उसकी बेटी आईपीएस बनकर आए, उसकी बेटी ऑफिसर बनकर आए और वो उसको सैल्यूट करे सामने। नथिंग कैन बी बेटर देन दिस, नथिंग कैन बी मोर ब्यूटीफुल देन दिस। और ये तस्वीर आज हमको मिली, हमने कहा ये तस्वीर आज आपको जरूर दिखानी चाहिए। राजपूताना आर्मी वॉज टेकिंग सेल्फी सो कॉमली टू राजपूताना राइफल्स, इट्स नॉट आर्मी, इट्स अ रेजिमेंट आई गेस। Awesome, wow. It's emotional moment. Definitely, it's a very, very emotional moment. मित्रों, ये छोटे छोटे पल होते हैं जिनको हमें जीना आना चाहिए, जिनको हमें जीना, जो हमें जीना सिखाते हैं, जिनसे हमें जीना सीखना चाहिए। हम कहीं ना कहीं इन पलों को भूल जाते हैं। इतनी सारी आप कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें दो एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना।